बॉयज बॉयज आगे लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं, हमने ये बॉर्डर आज ही पार करना है। कम ऑन, नहीं जी बारिश से बच रहे थे, लेकिन निकलते निकलते बारिश फिर स्टार्ट हो गई। जब भी नारान में आए इस होटल पर लाजमी विजिट करें। नारान से गुजरना अपने बुलेट प्रूफ वाटर प्रूफ शूज अपने साथ जरूर रखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भी ठीक हैं और हमारा सफ़र बहुत अच्छे से गुजरा। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब हमारा सफ़र वापसी का स्टार्ट है। तो कल हम निकले थे, 5 जुलाई था कल, कल हम निकले थे हुंजा से। तो मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन वापसी करनी थी तो हम पूरा सफ़र बारिश में किया है। क्यों साकी भाई, हुंजा से हम डायरेक्ट पहुंचे हैं बेसल। रास्ते में बड़े ज़बरदस्त नज़ारे थे, बारिश थी। बेसल वो उधर है जिधर फाइनली मिल गया, आ ही गया मून रेस्टोरेंट। हाँ बिल्कुल, मून रेस्टोरेंट। और आप वो पीछे बादलों के सीन्स देख सकते हैं, आज भी मौसम बहुत ख़राब है और हमारे चेहरों की और हाथों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बाइकर्स के साथ ऐसे ही होता है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे सारे हसीन नज़ारे, हसीन वादियाँ। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे सीधा घर की तरफ, वापस जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे नारान, नारान से फिर बालाकोट, बालाकोट से मानसेरा। तो साकिब से पूछता हूँ, साकिब का सफ़र कैसा रहा, इसे सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, कहाँ का कल्चर अच्छा लगा? तो साकिब आप ज़रा कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। ट्रिप सारा ही ओके था, अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। सबसे तो ज़्यादा मज़ा आपको किस प्लेस पे आया? किस प्लेस पे आया? सभी प्लेस पे आया। नहीं कोई एक फेवरेट होती है ना, जहाँ पे जिस तरह मैं था, मुझे करीमाबाद का बाज़ार बहुत अच्छा लगा। ये माल रोड मरी आप करीमाबाद बाज़ार और माल रोड मरी आप भूल जाओगे, इस तरह आपको और क्या अच्छा लगा? अताबा लेक और उसके बाद कह सकते हैं बल्तित फोर्ट। बल्तित फोर्ट बहुत ज़बरदस्त अच्छा प्लेस है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आप जब भी आए तो ज़रूर विज़िट करें। और खाना किधर का अच्छा लगा आपको सबसे? खाना उधर का ही, जिधर वो हमने बल्तित फोर्ट के बाहर जो पॉइंट था उधर करीमाबाद बाज़ार में, ओ ममतू। हाँ ममतू भी अच्छा था, चाइनीज़ ममतू और चापशोरो हुंजा की जो स्पेशल सौगात है हमने वो ट्राई की, बड़ा मज़ा आया। काबली पुलाव खाया वो भी अच्छा था, पीस भी अच्छे थे, वो उधर का अच्छा था। और रेट भी वही थे लगे जो हम हमें लगते हैं ना वो वाले पंजाब वाले, सेम वही रेट वही टेस्ट वही चीज़, और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कि हमारे राइस बच गए थे। और मेरा जो एक्सपीरियंस नलतर वैली का जो आपने पिछले व्लॉग्स में देखा था, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था, आप एडवेंचर करें लेकिन कभी किसी के पीछे ना लगे। उसमें मैं कभी मैंने ऐसा किया नहीं है, मैं वो एक इंसान के पीछे लग के वो मैं पहाड़ चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं किस हद तक पहुंच गया, जहाँ पे ना मुझे नीचे उतरने का रास्ता मिले ना ऊपर जाने का। वो बड़ा बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से दुआ की, तौबा इस्तगफार की वहाँ बैठ के, तो अल्लाह ने मदद के लिए वो बंदा भेजा। 10-15 मिनट आधा घंटा पहले मेरा ये मजाक उड़ा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही, और फिर मैंने इससे माफ़ी भी मांगी। मैं और जो एक हमारा लड़का था, तो वो गुजरा वाले से लड़के थे वो बोले, तो वो उसने वो फुल्ली मोटिवेट कर रहा था जी आओ 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 आओ, ये आप देखो एडवेंचर करें लेकिन अपनी जान को खतरे में ना डालें। वो बकरियों बकरियां वगैरह जो जानवर जाते हैं ना रास्ते, उन्होंने बनाए हुए। और बाकी जो बाइक पे आते हैं, एक बात याद रखें, जब भी आपने नारान से गुजरना अपने बुलेट प्रूफ वाटर प्रूफ शूज अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हमारे पास दो दो तीन तीन शूज़ थे वो सब इस टाइम भीग चुके हैं, जुराबे भीग चुके हैं, कपड़े भीग चुके हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स का पानी आता है तो बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है। रात हम इसीलिए बेसल रुक गए क्योंकि रात के टाइम वो ग्लेशियर्स के पानी से गुजरना मुश्किल है, और एक तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, ठंड थी, फिर हमें रुकना पड़ा यहाँ पर बेसल में कि यार यहाँ पर रात स्टे करें। अभी भी मौसम काफ़ी ख़राब है, हम यहाँ से निकल रहे हैं,
तो इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह तक हम घर पहुंच जाएंगे। और आप हमारी वीडियोस को लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ देर बाद फिर दोबारा हम कश्मीर की तरफ जाएंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे हसीन नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अब हम आगे अपने सफ़र की तरफ निकलते हैं और फिर आपको मिलेंगे रास्ते में पहुँच के वहाँ इंशाल्लाह। ले जी, बारिश से बच रहे थे लेकिन निकलते निकलते बारिश फिर स्टार्ट हो गई। कल का सफ़र भी इस बंदे ने पूरा बारिश में करवाया और मुझे लगता है आज का सफ़र भी बारिश में करना पड़ेगा। लेकिन आप सीन्स चेक करें, ये बादल, ओ माय गॉड, इस टाइम नीचे आ रहे हैं। चले निकलते हैं। खैर, ये तो कहता है बारिश में भी जहाँ मर्जी ले कर फिरते रहो, लेकिन यार ठंड बहुत ज़्यादा है। नवम्बर दिसंबर वाली ठंड है, वल्ला कसम से। चलो निकले निकले। अब इन रान के रास्ते से गुजर रहे थे तो राफ्टिंग का मूड बन गया तो सोचा राफ्टिंग करें। तो क्या टिकट है राफ्टिंग की? आप दो लोग करें। दो लोग? हाँ जी। और कितने किलोमीटर है ये? ये है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब पर पर्सन 750 रुपये 2 किलोमीटर। बड़े ही ज़बरदस्त राइड होती है, आप जब भी आए ये राइड लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। सर इतना बड़ा, इन्हें कोई हेलमेट ही नहीं आ रहा, आप चेक करें। तो ये तैयारी शैयारी कर लिया, जैकेट हेलमेट, और ये है हमारी राफ्ट जो कि तैयार है रिवर राफ्टिंग के लिए। ये बड़ी ही क्रेजी होती है, मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर, यस वी आर रेडी। रेडी बॉयज, लेट्स गो फॉर द राइड। लो जी, राफ्टिंग हो चुकी है स्टार्ट। फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन पे गौर करो, शाबाश सारे मिलके। भाई बात सुने, हेलो फ्रंट वाले भाई, स्टॉप करने एक मिनट। भाई मैंने बोला डायरेक्शन मैंने करनी है, आपने अपनी मर्जी नहीं चलानी, आप फिर वही कर रही थी। अभी बैकवर्ड करें सब लोग एक साथ लाके। जितने को मुड़ रही है वो मेरा काम है, ठीक है भाई। पानी स्टॉप कर दीजिए, मेरे पास है। वो क्या कह रहे हो? बोला तो बोला ना मारे तो बोला नहीं मरता चटा। क्या कह रहे हो? लो जी, सीन्स आने वाले। हाँ जी, ध्यान से बैठना है, वो देखें आगे। चलो चलो जोर लगा के गाइस, भाई जोर लगा के। स्टॉप कर दे, स्टॉप। ध्यान से बैठना है सबने। आप ये लहरें देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुझे अपने घर कैमरा। आगे आप लहरें देख सकते हैं, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, कुछ नहीं हो रहा लेकिन मजा आ रहा है। बैलेंस बैलेंस बराबर रखो, तुम वीडियो को छोड़ दो। आगे लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं, हमने ये बॉर्डर आज ही पार करना है। कम ऑन, इट्स अमेजिंग, इट्स फन। फॉरवर्ड गाइस, कोई गल नहीं भाई, इतना भी कपड़ा गिले हो गया। मजा आ रहा है साकिब,
भाई जब भी आओ राफ्टिंग करके जाओ। मैं तो जब भी आता हूँ मैं राफ्टिंग करके जाता हूँ। ये थर्ड टाइम है जो मैं राफ्टिंग कर रहा हूँ। स्टॉप गाइस बैक। अब ये हम रिवर्स जा रहे हैं। स्टॉप आ चुका है। हाँ जी मजा आया आपको? बहुत मजा आया। शुक्रिया। कोई नहीं गीले तो होने हैं, कल रात से गीले होते आ रहे हम। गुड एक्सपीरियंस था, मजा आया। आप भी आओ, आप भी एंजॉय करो राफ्टिंग को। पाए कर दें और तीन नान कर दें। हाँ जी फिलहाल ये बाद में फिर देखते हैं। पूड़ियाँ चने बाहर से मंगवाने हैं, बता दें। हाँ जी तीन, इसीलिए कहा तीन कर दें। ठीक है, पूड़ी तो नहीं खानी तूने? नहीं फिलहाल, बाद में चलेंगे। ये मौसम की डिमांड। बेहतरीन से पाए आ चुके हैं। तो गाइज ये नारान में सैफुल मलूक रेस्टोरेंट के नाम से होटल है। यहाँ पे आपको देसी हर चीज़ मिलेगी। नान चने मिलेंगे, पूड़ियाँ चने मिलेंगे, अंडा पराठा मिलेगा और स्पेशली दही की लस्सी मिलेगी। आप जब भी नारान में आए इस होटल पर लाजमी विज़िट करें। बड़ा अच्छा टेस्ट, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। ये बिल्कुल लास्ट पे है नारान के। बहुत खाता है ये बंदा। हाय, तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मलंग जान। सीधा नारान से हमने ड्राइव ली और सीधा पहुंचे हम रावलपिंडी। तो इस टाइम दोनों की हालत बुरी हो चुकी है, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे फैसलाबाद। तो अभी यहाँ से खाना शाना खाते हैं, तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हालत इस टाइम बहुत टाइट है। सारा दिन ड्राइव किया आज और इस टाइम हो चुकी है रात के 12। अल्लाह हाफिज़ गाइस।